अक्सर जब भी हड्डी में फ्रैक्चर होता है या फिर हड्डी टूटती है तो डॉक्टर एक्सरे करके तुरंत मरीज को प्लास्टर चढ़ाते हैं। ऐसे में फ्रैक्चर पर निर्भर होता है कि कब तक प्लास्टर चढ़ा रहेगा। प्लास्टर इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि टूटी हुई हड्डी जुड़ सके और जुड़ने के बाद मजबूती आ जाए। प्लास्टर के जरिए सिर्फ प्रभावित हिस्से को स्थिर रखा जाता है, इसके बाद हड्डी अपने आप ही प्राकृतिक रूप से जुड़ती है। ये तो हमने देखा ही है कि हड्डी टूटने के बाद या फ्रैक्चर होने के बाद तुरंत ही उस हिस्से पर सूजन आती है, लेकिन अगर प्लास्टर उतरने यानी कि प्लास्टर काटने के बाद भी उस हिस्से पर सूजन आए तो इसका क्या है कारण, आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि प्लास्टर काटने के बाद सूजन होने का कारण है कि आपके शरीर में इम्यून कोशिकाएँ ऐसे फ्लूइड को छोड़ती हैं जो ज़्यादा इम्यून कोशिकाओं को आकर्षित करें, उस हिस्से में खून के फ्लो को बढ़ाएं और चोट लगी जगह पर ज़्यादा फ्लूइड का प्रवाह बढ़ता है। परिणाम स्वरूप फ्रैक्चर के आसपास की जो जगह होती है उसमें सूजन दिखने लगता है, वो सूझा हुआ नज़र आता है और छूने में भी दर्द करता है। प्लास्टर बंधे रहने के टाइम उस हिस्से पर किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं होती और प्लास्टर खुलने के बाद वो जगह अचानक ही मूव करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि उसमें सूजन बढ़ने लगती है, क्योंकि शरीर अपने वास्तविक यानी कि अपने एक्चुअल पोजीशन में आने की कोशिश करता है। ध्यान रहे कि ये सूजन एक हफ्ते से लेकर 15 दिन तक बना रहे तो सामान्य है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा दिनों तक ये सूजन बना रहेगा या दर्द बढ़ेगा तो आपको डॉक्टरी जांच कराने की ज़रूरत है। साथ ही इस परेशानी से बचने के लिए प्लास्टर बंधने के समय ही आपको अपने चोट वाले हिस्से की हल्की हल्की मूवमेंट करते रहना चाहिए। साथ ही प्लास्टर खुलने के बाद हल्के हाथों से तेल मालिश भी ज़रूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।